दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द ओवरकोट। दोस्तों इसको लिखा था एक रशियन ड्रामेटिस्ट निकोलाई गोगोल ने। दोस्तों इसको 1842 में पब्लिश करवाया गया था। ये शॉर्ट स्टोरी एक सटायर है, एक रियलिज्म है। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है थर्ड पर्सन और इसकी सेटिंग रखी गई है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आज एक्चुअली कल हम लोगों ने अपने चैनल पर 300 के यानी कि 3,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि ये आप ही के सपोर्ट से हुआ है। एक स्टडी चैनल इतना बढ़ता जा रहा है, बहुत ही स्पीड से हम लोगों ने 3,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। हम ऐसे ही अपनी फैमिली को बड़ा करते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों निकोलाई गोगोल एक बहुत बड़े प्लेराइट थे, ये रशिया में बहुत बड़े प्लेराइट थे, एक रशियन प्लेराइट थे। इनसे बहुत सारे ऑथर्स, इनके बाद में बहुत सारे ऑथर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ये ओवरकोट कहानी है अकेकी बशमेकिन नाम के एक आदमी की, एक रशियन आदमी है ये, जो एक छोटी रैंक पर काम करता है, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के लिए काम करता है एक कॉपीस्ट का। रशिया का कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताया यहाँ पे, तो वहाँ पे ये काम करता है। कहने का मतलब ये ब्यूरोक्रेसी में है। दूसरा, ये कोई बड़ी रैंक पे नहीं है, बिल्कुल छोटी सी रैंक पे है और इसकी लाइफ भी बचपन से ऐसी ही गुजरी है, मतलब इनसिग्निफिकेंट। और दोस्तों इसके नाम के आगे ये जो बशमेकिन वर्ड है इसका मतलब है शू, यानी कि जूता। ये नाम इसको इसकी माँ ने दिया था ये सोचकर कि ये इसी नाम के लायक है, ये इसी नाम को डिज़र्व करता है, इसकी किस्मत में यही नाम है। तो अब ये जहाँ भी जैसे भी काम कर रहा है बड़ी ही डल सी लाइफ जी रहा है, बस अपने इस कॉपीस्ट वाले काम पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। लेकिन एक ख़ास बात भी है इसकी कि ये बड़ी ही शिद्दत से अपने काम को करता है, मतलब इस काम के अलावा इसको कोई और चीज़ दिखती ही नहीं, कुछ भी इसको होश नहीं रहता कि ज़िंदा भी हूँ या मर गया, खाने का टेस्ट कैसा है, दूसरे कलीग से बात भी नहीं करता, पता नहीं अपनी धुन में रहता है, आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। ये एक मिडिल एज्ड आदमी है, इसके साथ में काम करने वाले कुछ यंग लोग हैं, तो वो लोग इसके साथ में काम तो करते हैं लेकिन इसका मजाक भी बनाते हैं इसके इस बर्ताव को देख करके। लेकिन इसको उनकी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये कभी कभी उन पर चिल्ला देता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इस अकेकी को देख करके ऐसा लगता है जैसे ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बस अपना काम करना है। लेकिन कभी कभी इसको ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो ओवरकोट है जो ये पहन करके आता है, दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग में ये रहता है, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है मैं आपको बता दूँ, तो वो कोट जो है वो फट गया है। तो ये सोचता है कि इसको रिपेयर करने के लिए देना होगा, तो इस कोट को लेकर के भी इसके कलीग्स इसका मजाक बनाते हैं। तो ये पेट्रोविच नाम के एक टेलर के पास जाता है जो शराबी आदमी है, अपना कोट ठीक करवाने के लिए उसके पास में जाता है। लेकिन वो टेलर इसको बोलता है कि ये तो बड़ा घिस चुका है, ठीक होने की कंडीशन है ही नहीं इसकी, आप ऐसे करो दूसरा कोट ले लो, दूसरा कोट बनवा लो, 150 रूबल्स का पड़ेगा, इसको तो भूल जाओ कि ये रिपेयर होगा। तो अकेकी परेशान कि इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, 150। लेकिन ये उस टेलर को बोलता है कि 80 रूबल में बंदोबस्त करवा दे, जो भी सामान वामान होगा हम लाएंगे, मैं अपने अगले महीने के पैसे बचा करके बाकी के पैसे तुझे दे दूंगा, अगले महीने हो सके थोड़ा कम खाना पड़े या फिर कुछ दिन भूखे भी रह लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोट चाहिए, ठंड लगती है यार। अब इस अकेकी ने अगले 2 हफ्ते तक इस कोट के लिए जी लगाकर मन लगाकर काम किया, वैसे तो ये करता ही था लेकिन अब तो ये और ज़्यादा डेडिकेट हो गया अपने इस कोट के लिए और ज़्यादा शिद्दत से काम करने लगा, जिससे इसका डायरेक्टर खुश हो गया और इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसको खुश होकर उसने बोनस दे दिया। अब जैसे भी इसके पास पैसे आए, जो भी है, अब ये अपना एक नया कोट बनवा सकता था, सिलवा सकता था, तो सामान वगैरह मंगवाया गया, ओवरकोट तैयार हुआ। अब ये ओवरकोट वो टेलर पेट्रोविच इसके पास में पर्सनली इसको घर पे देने आया, इतना शानदार कोट बना था इसका। अब अकेकी अगले दिन अपना नया ओवरकोट पहन करके काम पर गया, तो इसके साथ में काम करने वालों ने इसको बधाई दी कि बधाई हो महाराज, नया कोट ले लिया, शाम को पार्टी करते हैं। तो पहले पहले तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये लोग मुझे इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी राजी हो गया कि चलो ठीक है, जो भी है पार्टी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब शाम को सारे के सारे इस चीज़ को सेलिब्रेट करने लगे कि अकेकी ने नया कोट ले लिया। इसका नया कोट दिखने में इतना अच्छा था कि सारे के सारे उस पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन ये टाइम पर काम करने वाला, टाइम पर घर जाने वाला आदमी, ये बड़ा ही वहाँ पे आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। इसके कोवर्कर्स ने इससे कहा कि थोड़ी शैंपेन हो जाए,
सारे के सारे वहाँ पर खुश थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को, तो ये चुपचाप वहाँ से छुप के निकलने की तैयारी में था। तो ये वहाँ से निकल आया, टाइम हो रहा था, घर भी जाना है। रास्ते में इसकी किस्मत ख़राब कि इसको दो चोर मिल गए, जिन्होंने इसको पीटा भी और इसका कोट भी छीन लिया, नया नया कोट इसका छीन लिया, और पिटाई हो गई सो अलग। तो पास में एक चौकीदार सब कुछ देख रहा था, उसने सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, बल्कि गवाही देने को भी मना कर दिया कि मैंने तो कछु देखा ही नहीं, और ऊपर से सलाह और दे रहा है कि सुबह पुलिस वालों को कंप्लेंट कर देना जाके। तो ये अकेकी इसके बाद में बेचारा ठंड में उदास सा कांपता कांपता घर पहुंचा, तो इसकी मकान मालकिन इसको बोली कि तुम ऐसे करो, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास में जाओ, वो हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद कर सके। अब सुबह होते ही अकेकी बेचारा वहाँ भी गया, इसको पूरा दिन उस पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बाहर बैठा के रखा ऑफिस के वेट करने के लिए, और जब इस बेचारे का नंबर आया तो ऑफिस में अंदर इसी पर ही शक करने लगा। तो ये वहाँ पर ज़्यादा कुछ बात किए बिना, ज़्यादा कुछ बोले बिना वहाँ से चला आया कि ये आदमी मेरी हेल्प के लिए कभी नहीं मानेगा। तो अगले दिन ये फिर से अपना वही सड़ा पुराना गला कोट पहन करके ऑफिस गया, तो इसके साथ में काम करने वालों ने इसको बोला कि ये पुलिस वाले तुमको ऐसे ही घुमाते रहेंगे, जब अपना प्रमोशन करवाना होगा तभी ये लोग काम करते हैं, तो तुम एक काम करो, इम्पॉर्टेंट पर्सन के पास में जाओ। ये कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन था, वही सिविल सर्विसेज का कोई ऑफिशियल था, उसके पास जाओ, शायद वो आदमी तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, ये जो इस इम्पॉर्टेंट पर्सन की बात हो रही है, ये आदमी सिर्फ अपने फ्रेंड से काइंड नेचर में बात करता है, बाकी अपने से छोटे लेवल के जो लोग होते हैं उनसे ढंग से बात नहीं करता है। तो ये गया उस इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए, वो किसी ऊंची रैंक पर था गवर्नमेंट में, तो बड़ा ही घमंड था उसके अंदर, और बस अपनी चलाना चाहता था कि कानून को सख्त करूँगा। तो ये जब उसके पास में गया तो वो कोई अपने दूसरे कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ में था, तो अकेकी से बोला गया कि थोड़ा वेट करो ताकि ये अपनी पावर का शो ऑफ कर सके। फिर वो अपने क्लर्क से बोला कि बुलाओ उसे अंदर। अब अकेकी उसको सारी बात बताता है कि मेरा कोट चोरी हो गया जनाब। अब अकेकी की यहाँ पर गलती ये हो गई कि ये कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर होकर के उसको अपनी बात बता रहा था, तो इम्पोर्टेंट पर्सन थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गया। वो बोला कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये काम, तो तुमको डायरेक्टली मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी, तुम मेरे सेक्रेटरी से बात कर सकते थे, या फिर कोई और बंदा भी कर सकता था तुम्हारा ये काम, इतने छोटे से काम के लिए तुमने मुझे याद किया। तो अकेकी डायरेक्टली क्या बोलता है कि मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बात से ये इम्पोर्टेंट पर्सन नाराज़ हो गया, इसने अकेकी पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि निकलो यहाँ से। ये बड़ा ही हैरान होकर वहाँ से चला गया, इसका दिल बैठ गया बेचारे का। अब बाहर बर्फ का तूफान था, घर भी जाना था, तो ये कांपता हुआ जैसे तैसे करके अपने घर पे पहुंचा, घर की तरफ चल दिया और घर पहुंच भी गया। लेकिन उससे क्या, ये बीमार हो गया और बुखार इसका बढ़ता ही जा रहा था, मरने जैसी हालत हो गई। तो इसको क्या है, मरते मरते एक सपना आया, उस टेलर का सपना आया, जिन बंदों ने इसको लूटा था उनका सपना आया, और उस फटे पुराने कोट का सपना आया, एंड में ये बेचारा मर गया। और दोस्तों, मुश्किल से ही इसकी डेथ को किसी ने वहाँ पे नोटिस किया होगा, मतलब सारे काम सेंट पीटर्सबर्ग में वैसे ही चल रहे थे जैसे चलते थे। जहाँ ये काम करता था, जब वहाँ पता चला कि ये गुजर चुका है, तो उन्होंने ज़रा भी देर नहीं लगाई, उन्होंने इमिडिएटली दूसरा आदमी रख लिया इसकी जगह पर। अब दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है, इस घटना के कुछ समय बाद में क्या होता है कि चारों तरफ लोग बातें करने लगे कि शायद कोई भूत वगैरह है इस सिटी में जो आते जाते लोगों का कोट चुराता है। एक रात क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन अपनी पार्टी से निकल करके अपनी मिस्ट्रेस के घर जा रहा था, तो किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। अब जिसने इसके कंधे पर हाथ रखा वो अकेकी का भूत था, उसने इसको बोला कि ये कोट मुझे दे दे। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन डर गया और उसने अपना कोट निकाल कर इसकी तरफ फेंका और घर भाग गया। जैसे तैसे करके इसने अपनी जान बचाई और वहाँ से भाग गया। और उसके बाद दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पर्सन अपने से नीचे तबके के लोगों से ढंग से बात करता है। इसके बाद उस जगह पर तो अकेकी का भूत कभी नहीं दिखा, लेकिन इस कहानी की एंड में किसी दूसरी जगह पर किसी वॉचमैन ने उस भूत को देखा। वो भूत उतना ही लंबा था जितना कि अकेकी, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। रात का टाइम था, वो ओवरकोट ब्रिज की तरफ चल रहा था। अब दोस्तों, इस कहानी में, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई, इस कहानी में ब्यूरोक्रेसी और घमंड की कितनी बुराई की गई है। ब्यूरोक्रेसी
और उसमें काम करने वाले लोगों में कितना घमंड है, उस चीज़ की कितनी बुराई की गई है। और दूसरा, इस सिटी में काम करने वाले लोग अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं, उनके लिए कोई जिए या मरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।